राजस्थान के जयपुर के जोबनेर थाना के भोजपुरा इलाके में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 9 वर्षीय लक्कीस को सुकशल बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल आज सुबह 9 साल का लक्की खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था। घटना शनिवार सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई थी। मंत्री लालचंद कटारिया भी पहुंचे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने अधिकारियों से वे रेस्क्यू की जानकारी लेते रहे। अब बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वो बोरवेल में करीब 70 फीट की गहराई में फंसा हुआ था। 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वो बोरवेल के अंदर 7 घंटे रहा। सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम ने लोहे के जाल की मदद से उसे बाहर निकाला। ये जाल अच्युत की पीठ के पास से होता हुआ नीचे जाकर खुल गया। ये ऐसा जाल है जिस पर अच्युत बैठ सकता था या फिर वो अपने दोनों पैर उस पर रख सकता था। बाहर निकालकर अच्युत को अस्पताल भेजा गया जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। घटना जयपुर के जोबनेर थाना क्षेत्र की कुड़िया का बास के रहने वाला 9 साल का अक्षित उर्फ लक्की गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहां आया हुआ था। भोजपुरा कला में मामा के घर के पास ही खेत में बोरवेल बना हुआ था। सुबह उठने के बाद वो खेलते खेलते बोरवेल के पास चला गया। अचानक उसका पैर फिसला और वो बोरवेल में 70 फीट की गहराई में फंस गया। घर वालों को काफी देर तक अक्षित नहीं दिखा तो उसे ढूंढना शुरू किया। इस बीच बोरवेल से कुछ हलचल हुई, अक्षित की आवाज आ रही थी। तब घर वालों को हादसे का पता चला। उन्होंने फौरन प्रशासन को इसकी जानकारी दी।